हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ए ओ स्मिथ का गीजर की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये है ए ओ स्मिथ का EWS 3 लीटर इंस्टेंट वाटर हीटर। बहुत ही कमाल का वाटर हीटर है। अगर आपको किचन के लिए चाहिए तो बहुत ही अच्छा वाटर हीटर है। और इस वीडियो में हम इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करने वाले हैं कि कितना गर्म पानी आपको मिलता रहेगा, कितना टाइम लेता है पानी को गर्म करने में। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में टेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये ए ओ स्मिथ का जो गीज़र है, ये लगभग 2600 या 2700 रुपए के आसपास मैंने खरीदा है अमेज़ॉन से। और अभी जो भी रेट होगा आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके ऊपर ए ओ स्मिथ वाले देते हैं 5 साल की गारंटी इसके टैंक के ऊपर, और 2 साल की वारंटी ओवरऑल इस प्रोडक्ट की है। इसकी दो खासियत है बहुत बड़ी, वो है ग्लास लाइन कोटेड टैंक, और ग्लास लाइन कोटेड ही इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगाया गया है जो कि 3000 वॉट का है। तो जितने भी इंस्टेंट गीजर होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको 3000 वॉट का ही हीटिंग एलिमेंट मिलेगा। कुछ में ज़्यादा भी होता है, लेकिन कॉमनली 3 किलोवाट का ही चलता है। तो एक तो खास बात यह है कि इंस्टेंट गीजर आपको ग्लास लाइन कोटेड टैंक के साथ मिल रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आँख बंद करके ले सकते हो। और ए ओ स्मिथ का तो प्रोडक्ट अच्छा होता ही है। उसके बाद इसमें एक और खासियत है, अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, बहुत लंबी कोई बिल्डिंग है और आपके यहाँ पर पानी का जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ रहता है, तो ऐसे में इस गीज़र को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि ये जो गीज़र है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टेंट गीज़र आता है 6.5 बार प्रेशर से ऊपर। इसमें लेकिन आपको 8 बार प्रेशर हैंडलिंग मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी खूबियाँ हैं इस गीज़र की, इसीलिए हमने इसको ख़रीदा है। और आज इस वीडियो में हम इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हो हमारा पूरा सेटअप यहाँ पर रेडी हो चुका है। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं वो सब जानते हैं कि हम किस लेवल से टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा ए ओ स्मिथ का वाटर हीटर जिसकी हम पूरी तरह से आज टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके आउटलेट पे टैप लगा दिया है ताकि हमें यहाँ से हॉट वाटर सप्लाई मिले। और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक सेंसर दिख रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर है जिससे हमें पता लगेगा कि इसमें से जो पानी रनिंग कंडीशन में हमें मिलेगा वो कितने टेम्परेचर या फिर कितनी डिग्री से आएगा। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर दिख जाएगा। टेम्परेचर मीटर के ऊपर हमने एक स्टॉप वॉच भी लगाया है। स्टॉप वॉच, अब सोचोगे कि इंस्टेंट गीजर में स्टॉप वॉच क्यों लगाया, तो वो भी हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें। और उसके ऊपर ये है एनर्जी मीटर जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो ए ओ स्मिथ का गीज़र है ये कितने वॉट ले रहा है, कितनी बिजली खा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बता देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, बकेट रखा है, बकेट में ही हम सारा पानी इकट्ठा करेंगे। तो यानी कि जो भी पानी इसमें से हम टेस्टिंग के दौरान निकालेंगे तो उसको भी कहीं यूज ले लेंगे। तो चलिए, फिलहाल अब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम ठंडे पानी का टेम्परेचर यहाँ से चेक करेंगे। तो अभी गीजर हमने ऑन ही नहीं करा है, तो पहले इसका टैप ओपन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल सेंसर के ऊपर से होता हुआ आ रहा है। तो हमें टेम्परेचर सेंसर की मदद से यहाँ पर टेम्परेचर मीटर पर पता लग जाएगा कि कितना पानी का टेम्परेचर है जो हम इसमें गर्म करने वाले हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है जो है ठंडा पानी। तो चलिए फिलहाल इसको बंद करते हैं और अब यहाँ पर हम इसको ऑन करने वाले हैं इस बटन से। और अब आप सोचोगे कि स्टॉप वॉच क्यों लगाया है, तो स्टॉप वॉच हमने इसलिए लगाया है ताकि हम इस ए ओ स्मिथ में जो पानी है अभी 3 लीटर उसको गर्म करेंगे तो ये कट आउट कब होगा, इस चीज़ के लिए हमने स्टॉप वॉच लगाया है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो पानी इसमें कट ऑफ होने के बाद निकलेगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर क्या रहेगा या फिर हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा जब ये कट ऑफ करेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों हाथ यूज़ ले लेते हैं, एक से ये स्टार्ट कर देंगे, एक से ये स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो इनपुट वोल्टेज है वो 240 के आसपास आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये थोड़ा मैंने बढ़ाया हुआ है क्योंकि 3 किलोवाट का लोड है, जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा तो ये ड्रॉप होगा। तो अभी देखते हैं। तो ये दोनों चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं और आप देख सकते हो 230 पे आ गई है इनपुट वोल्टेज, इसीलिए मैंने बढ़ा रखा था क्योंकि हमने इसकी टेस्टिंग 230 पे ही करनी है। अभी आप यहां पर देख सकते हो
कि गीजर जो है वो ऑन हो चुका है, दोनों इंडिकेटर इसके ग्लो कर रहे हैं क्योंकि अभी ये हीटिंग कंडीशन में है, पानी को गर्म कर रहा है, जब कट ऑफ करेगा तो इसमें से एक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर मीटर के ऊपर 3000 वॉट का ये गीजर है, 230 वोल्ट की पूरी सप्लाई इसको मिल रही है, फिर भी ये 2895 या इसको मान लो 2900 वॉट ले रहा है, ये 3000 वॉट से 100 वॉट कम ही ले रहा है फिलहाल। और अम्पेयर की यहाँ पर बात करूँ तो 12.6 अम्पेयर ले रहा है, बहुत ही पावरफुल इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगाया गया है जो बिजली भी काफ़ी तेज़ी से खाएगा। और यहाँ पर आप देखिए पानी का जो टेम्परेचर है वो फिर से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन यहाँ से पानी आ नहीं रहा है, तो ये पानी का टेम्परेचर नहीं है। जब मैं टैप ओपन करूँगा तभी हमें पता लगेगा कि इसके अंदर जो पानी गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। टाइम की यहाँ पर बात करूँ तो 1 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है इस गीज़र को चलते हुए, और अब देखना हमें यही है, ये गीज़र की Level 1 टेस्टिंग है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये ऑटो कट ऑफ कितने टाइम में होगा, तो हमें देखना यही है कि कितना समय लगेगा इनमें से एक इंडिकेटर बंद हो जाएगा। दूसरा जो लेवल है वो हम करेंगे क्योंकि ये एक इंस्टेंट गीजर है, किचन वगैरह में यूज़ होता है, तो इसके अंदर से हमें रनिंग हॉट वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर मिलता रह सकता है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले Level 1 को कंप्लीट करते हैं, तो आप देख सकते हो 1.5 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है, 3000 वाट का ऑलमोस्ट लोड चल रहा है और अभी भी गीजर ये चल रहा है, यानी कि 3 लीटर पानी को गर्म करने में इसने ऑलमोस्ट 2 मिनट का समय तो फिलहाल ले ही लिया है, तो देखना यही है कि कितना और समय ये लेगा। यहाँ पर आप गौर करोगे 0.09 यूनिट कंज्यूम भी हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, या मैं यूं कहूँ कि 2 मिनट में 1 यूनिट का 10वां हिस्सा इसने कंज्यूम कर लिया है। तो अगर आपके यहाँ पर अच्छी तारे डली हुई हैं, मोटी तारे डली हुई हैं, तो ही आप इसको यूज़ करें, क्योंकि 3000 वॉट का लोड हैंडल करने के लिए तार आपको बहुत मोटी चाहिए होती है, नहीं तो सॉकेट जल सकता है या फिर कोई और हादसा हो सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन से पहले कंसल्ट करें ऐसी हैवी कोई भी चीज़ अपने घर में चलाने से पहले। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 मिनट होने वाले हैं और गीज़र अभी भी रनिंग कंडीशन में है, और जो लोड है वो लगातार 2890 के आसपास यहाँ पर बना हुआ है, और इनपुट वोल्टेज भी 230 की कांस्टेंट यहाँ पर आ रही है। तो चलिए फिलहाल अब देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। मेरे हिसाब से मुश्किल से 1 मिनट और लगना चाहिए, बाकी इसके अंदर से एक आवाज़ आ रही है तो कोशिश करूँगा सुनवाने की। होप सो आपने सुना हो, तो पानी गर्म होने की कुछ आवाज़ आ रही है इसके अंदर से, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस है इसलिए वो सुनाई दे रही है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में सुनाई नहीं देती, किचन में तो खासकर नहीं सुनाई देगी क्योंकि किचन में तो आप सब जानते हो कि शोर शराबा होता ही रहता है। तो ऐसे में अब ये चल रहा है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो 3 मिनट 20 सेकंड इसने लिए हैं 3 लीटर पानी गर्म करने में, और आप देख सकते हो जो रेड वाला इंडिकेटर है वो बंद हो चुका है, ग्रीन वाला ऑन है, तो यानी कि ये लगभग 3 मिनट में 3 लीटर पानी को गर्म करके कट ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग भी हो गई कि ऑटो कट ऑफ का फीचर है इसमें। अच्छा, इसके साथ मल्टी फंक्शन वॉल्व भी मिलता है, वो हमने फिलहाल लगाया नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी आप यूज़ करें तो उसे ज़रूर लगाएं। ये होता है मल्टी फंक्शन वॉल्व जो आप देख सकते हैं इस बड़े गीज़र में लगा हुआ है, तो इसी तरह का एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मल्टी फंक्शन वॉल्व ए ओ स्मिथ वालों ने भी दिया है इस गीज़र के साथ। तो जब भी आप अगर ये गीज़र यूज़ करते हैं या कोई भी गीज़र यूज़ करते हैं उसके साथ अगर आपको मल्टी फंक्शन वॉल्व मिलता है तो उसको साथ में ज़रूर लगाएं। तो चलिए अब आते हैं रीडिंग्स के ऊपर, तो फिलहाल आप देख सकते हो कटआउट यहाँ पर हुआ है, और जो बिजली की कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 0.16 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं इसने 3 मिनट 20 सेकंड में, और सप्लाई आप देख सकते हो दोबारा 240 हो गई है क्योंकि अब ये गीज़र बंद हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए स्टॉपवॉच इसीलिए लगाया था बस, अब कोई स्टॉपवॉच का काम नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर मीटर जो है वो हमें बताएगा कि इस टैप में से कितने डिग्री से पानी अब हमें मिलने वाला है। तो चलिए ऑन करते हैं इसको, तो ये देखिए पानी जो है यहाँ पर अब आने लगा है, और ये पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और ये चीज़ हमें ये टेम्परेचर मीटर के ऊपर पता लगेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर मीटर की तरफ आप गौर करिए तो पानी का जो टेम्परेचर है 61.7 डिग्री एक रीडिंग हमारे पास आई है, बट आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा पानी गर्म हुआ होगा इसमें, क्योंकि ये सेंस करने में 4 से 5 सेकंड लेता है, तो जो हाईएस्ट होगा टेम्परेचर वो अभी हमें यहाँ पर पता लग जाएगा।
तो इससे बेसिकली हमें ये पता लगेगा कि इस गीजर में जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसका हाईएस्ट सेटिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं 71.9 यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पर इसने कट आउट किया है। अभी देखते हैं और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। पानी आप देख सकते हो कंटिन्यू इस टैप में से हम निकाल रहे हैं। फिलहाल मैंने जो टैप है वो थोड़ा खोला हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोबारा से ऑन हो गया है, क्योंकि अब इसके अंदर जैसे जैसे ठंडा पानी मिक्स होता रहेगा तो ये दोबारा से अब वर्किंग में आ गया। तो हमारे पास जो रीडिंग आई थी, अब आप देख सकते हो जैसे ठंडा पानी मिल रहा है तो जो टेम्परेचर है वो और कम होना शुरू हो गया है, लेकिन जो हाईएस्ट रीडिंग आई थी वो आई थी 72 डिग्री सेल्सियस हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि लेवल वन की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें पता लगा है कि कितना टाइम लेता है ये कट ऑफ होने में, कितनी बिजली खाता है ये और किस टेम्परेचर से हमें पानी मिल जाता है। अब लेवल टू टेस्टिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, रनिंग हॉट वाटर के टेम्परेचर को टेस्ट करेंगे कि कितने टेम्परेचर से ये रनिंग हॉट वाटर सप्लाई हमें दे सकता है। तो चलिए उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टैप ओपन ही है, पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर पहले मैं इसको पूरी तरह से खोल लेता हूँ टैप को। तो आप देख सकते हो पानी का जिस हिसाब से प्रेशर होगा उतना ही पानी जो है टैप में से आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर मीटर है वहाँ पर रीडिंग्स की गिरावट लगातार जारी है, क्योंकि इसके अंदर ठंडा पानी जाए जा रहा है और गर्म पानी जो हुआ था इसमें वो कम होता जा रहा है। अब ये रनिंग हॉट वाटर ही हमें सप्लाई करेगा, लेकिन हमें देखना ये है कि कांस्टेंट कितने डिग्री पर हमें पानी इसमें से मिलता रहता है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर रनिंग हॉट वाटर अगर आप ले रहे हैं तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने डिग्री से पानी को इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं, यानी कि कितना ठंडा पानी इसके अंदर आप डाल रहे हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि कितने प्रेशर से आप पानी निकाल रहे हैं। अगर आपने टैप को पूरा खोल रखा है तो ऑब्वियसली पानी का जो टेम्परेचर है वो कम आपको मिलेगा। अब अगर मैं आपको इसको, ये देखिए, थोड़ा सा इसको कम कर दूं प्रेशर, तो क्या होगा, पानी इस गीज़र के अंदर ज़्यादा रुकेगा, जिससे पानी गर्म होने के लिए उसको ज़्यादा समय मिलेगा। तो ठीक है, ये देखिए, इसको मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको। तो अभी ये टूटी जो है ये बिल्कुल खुली हुई है पूरे तौर पर, और यहाँ पर पानी जो है पूरे प्रेशर से आ रहा है जितना भी ये दे सकता है। और ये टेम्परेचर मीटर आप देखो, यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस से हमें पानी मिल रहा है रनिंग कंडीशन में। तो यहाँ पर अब मैं कहूँगा, ज़रा दिखाइए इसको, जैसे ही मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ये देखिए पानी का प्रेशर मैंने कम कर दिया है। अब आप टेम्परेचर मीटर की तरफ चलिए, टेम्परेचर देखे हो आप, इसको टेम्परेचर में बढ़ाओ, यहाँ पर आप अब देख लोगे जैसे ही हमने प्रेशर बंद कर रखा है तो पानी और गर्म मिलना हमें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये देखिए धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा गर्म पानी चाहिए तो आपको नल को थोड़ा खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारी जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। जो यहाँ पर पानी का टेम्परेचर है ये ऑलमोस्ट 10 से 11 डिग्री ऊपर कर रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सर्दियों में जब मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर आप बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसको यूज़ करेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 17, 18 या फिर 15 भी हो जाता है किसी किसी इलाके में। तो आप ये मान के चलिए कि इस टेस्टिंग से हमें ये पता लग रहा है कि ये पानी के टेम्परेचर को 9, 10 या 11 डिग्री अप करके आपको रनिंग कंडीशन में देता रहता है। लेकिन वही बात है कि अगर आपको उससे ज़्यादा गर्म चाहिए तो आप नल को थोड़ा सा बंद कर लें या फिर टाइट कर दें, ताकि पानी आपको धीरे धीरे मिलेगा तो ऑब्वियसली वो गर्म मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अभी टैप ओपन है प्रॉपरली और यहाँ पर वही 34-35 डिग्री से हमें पानी मिल रहा है, यानी कि 10 डिग्री ऊपर करके ये रनिंग पानी हमें देता चला जा रहा है। और यहाँ पर अगर रीडिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं अब तक इसने लगभग 0.37 यूनिट खा चुका है, मुश्किल से इसको 5 से 6 मिनट हुए होंगे चलते हुए, और 2890 वाट का टोटल ये लोड ले रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको बंद करते हैं, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग है वो दोनों हो चुकी हैं। तो इसमें हमने दो लेवल पे इसको टेस्ट किया है, एक कि थर्मोस्टेटिक कट ऑफ इसका किस टेम्परेचर पे होता है और कितना टाइम लेता है, सेकंड कि रनिंग हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमें कितना मिलता रहता है। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और एओ स्मिथ का ये कमाल का गीज़र, जो कि बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको ख़रीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा।
आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं 2600 या 2700 रुपए के आसपास मैंने खरीदा था, आपको भी शायद इतने का ही मिल जाएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको बजाज के इंस्टेंट गीजर की टेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो, हमारे चैनल के ऊपर हमने की हुई है उसकी भी टेस्टिंग, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी टेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।